हेलो एवरीवन वेलकम टू एडू एथिक्स और अब हम करने वाले हैं क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर टू इज मैटर अराउंड प्योर का सेकंड लेक्चर जिसमें हम प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंसेस में भी हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं इस स्पेसिफिक वीडियो में ठीक है तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं एक केमिस्ट की लैंग्वेज में अगर हम प्योर सब्सटेंसेस को डिफाइन करें तो वो जो एक ही तरीके के पार्टिकल्स एक ही तरीके के कॉम्पोनेंट से बने हैं प्योर सब्सटेंस एक डाउट में आपका क्लियर करना चाहती हूँ अगर मैं बात करूँ ना वाटर की अगर बात की जाए वाटर की तो वाटर क्या है कंपाउंड है जो कि H2O के मॉलिक्यूल से मिलके बना है ठीक है मैंने आपको बताया था कि जब एटम्स जो हैं वो केमिकली कंबाइन होते हैं वेन दे केमिकली कंबाइन दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं जब एटम्स केमिकली कंबाइन होते हैं तो यहाँ पे H2 टू यहाँ पे अगर देखा जाए तो एच टू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है राइट right? तो यहाँ पे क्या हुआ है जो हाइड्रोजन के आप कह सकते हैं एटम्स हैं और ऑक्सीजन के एटम्स ये केमिकली क्या हुए हैं कंबाइन हुए हैं दे कंबाइन केमिकली केमिकली कंबाइन हुए हैं और केमिकली कंबाइन होने के वजह से ये क्या बने हैं ये मॉलिक्यूल्स बने इनके एटम्स जो है ये हो गए। अब एटम्स अगर केमिकली कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनता है बन, बनता है, राइट right? तो हाइड्रोजन के एटम और ऑक्सीजन के एटम दे कंबाइंड केमिकली एंड फॉर्म मॉलिक्यूल राइट क्या बना मॉलिक्यूल बना दैट इज एच टू का मॉलिक्यूल वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है एच टू तो एच टू एक मॉलिक्यूल है ऑफ वाटर ठीक है इट इज अ मॉलिक्यूल ठीक है अब दो मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं लेट्स एच टू ओ का मॉलिक्यूल प्लस दूसरा एच रो का मॉलिक्यूल जब दो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं दे फॉर्म कंपाउंड तो इस तरीके से वाटर हमारा क्या है एक कंपाउंड है ठीक है आई होप आपको वॉटर की कहानी समझ आ गई होगी ठीक है चलिए तो प्योर सब्सटेंसेस का मैं आपको डेफिनेशन बता चुकी हूँ वो सब्सटेंस जो एक ही तरीके के कॉम्पोनेंट्स या एक ही काइंड के पार्टिकल्स के बने होते हैं सो इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस ठीक है अब देखिए प्योरिटी जो है ना सब्सटेंसेस की जो प्योरिटी है ऑफ अ सब्सटेंस इज़ अ फंक्शन ऑफ इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट यानी कि कोई भी चीज़ है ठीक है तो अगर वो प्योर है तो उसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ना वो फिक्स्ड ही रहेगा लेकिन अगर आपने उस सब्सटेंस में कोई भी इम्प्योरिटी ऐड कर दी तो उसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो फ्लक्चुएट करेगा बेसिकली उसका जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट है इट विल डेविएट ठीक है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डेविएट करेगा फ्लक्चुएट करेगा ठीक है अगर वो सब्सटेंस प्योर नहीं है तो ठीक है अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पर हमने प्योर सब्सटेंसेस को टू कैटेगरीज में क्लासिफाई uh, किया है दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड कंपाउंड के बारे में हम इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बट इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं तो एलिमेंट्स के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में जिसमें हमने इस चैप्टर का ओवरव्यू देखा था उसमें मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट जो है वो एक बेसिक फॉर्म है मैटर की यानी एक सिंपलेस्ट सब्सटेंस है एलिमेंट जिसको आप फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते इन टू मोर सिंपलर सब्सटैसेज एलिमेंट जो है ना वो अपने आप में ही खुद में ही वो एक सिंपलेस्ट सब्सटेंस है तो इसलिए आप इसको और ज़्यादा सिंपलर सब्सटैसेज में क्या नहीं कर सकते ब्रेक डाउन नहीं कर सकते ठीक है चाहे आप कोई भी केमिकल रिएक्शन कर लो कोई भी आप इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कर लो लेकिन तब भी आप एलिमेंट्स को और ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं बिकॉज दे आर द सिंपलेस्ट वन ठीक है नाउ देयर आर 118 एलिमेंट्स 100 118 एलिमेंट्स हैं टोटल जिसमें से 92 टू एलिमेंट जो है वो नेचुरली अकरिंग है एंड रेस्ट ऑफ आर आर्टिफिशली और मैन मेड एलिमेंट्स ठीक है अब प्रॉपर्टीज़ देखिए अगर हम एलिमेंट्स की तो अभी अभी हमने एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है तो उसको जल्दी से समराइज़ कर लेते हैं एलिमेंट को हम सिंपल और ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में डाउन नहीं कर सकते ठीक है बाय एनी केमिकल मेथड दूसरी चीज़ ये है कि जो एलिमेंट्स हैं ना वो शो करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आइटम्स ठीक है देखिए और जब हम कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे ना तो हम देखेंगे कि कंपाउंड जो है इट डू नॉट शो एनी प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिटूएंट पार्टिकल्स लेकिन एलिमेंट जो हैं वो क्या करते हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आइटम्स की प्रॉपर्टीज शो करते हैं ठीक है दे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलिमेंट जो प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की वो सिमिलर होती है टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बहुत ही सिंपल सी लाइन है ये फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन आयरन एक मेटल है और हमको पता है मेटल्स आर एलिमेंट ठीक है तो अगर हम आयरन लें ठीक है और हम मैग्नेट से आयरन को निकालने की कोशिश करें तो जो I mean, आई मीन आयरन है ना वो मतलब अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द मैग्नेट ठीक है तो उससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो एलिमेंट है ना दे आर सिमिलर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स ठीक है क्योंकि एलिमेंट जो है वो एक ही तरीके के आइटम से बने होते हैं दे आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स ठीक है सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स अब एलिमेंट्स भी एलिमेंट्स को भी हमने थ्री कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है दैट इज मेटल्स नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ हमने एलिमेंट्स को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया है सबसे पहले बात करें अगर हम मेटल्स की तो देखिए मेटल्स जो है ना दे आर मेलेबल मेलिएबल मतलब मेलिएबल का मतलब होता है कि आप इनको थिन शीट्स में क्या कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स ये आपने क्लास एट में भी पढ़ा है नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में तो आई थिंक आपको ये अच्छी तरीके से आता होगा मेटल्स आर मेलेबल मेटल्स कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं उसके बारे में आपको पता होगा लाइक मेटल्स जो है वो मेलेबल होते हैं यानी आप इनको बीट कर सकते हैं थिन शीट्स में दे कैन बी बीटेड इंटू थिन शीट्स दे कैन बी हैमड इंटू शीट्स ठीक है मेटल्स जो हैं ये सोनोरस होते हैं सोनोरस यानी ये एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होते हैं इसलिए हम देखते हैं कि जब हम टेम्पल्स में जाते हैं तो वहाँ पे हमें आपको देखने को मिलेगा कि तो वहाँ पे घंटी होती है राइट और जब हम घंटी बजाते हैं तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है क्यों क्योंकि क्यों? वो घंटी जो है ना वो मेटल्स की बनी होती है एंड मेटल्स आर सोनरस ठीक है मेटल्स जो है वो डक्टाइल होते हैं डक्टाइल होते हैं यानी कि दे कैन बी ड्रॉन इन टू वायर्स लाइक कॉपर है कॉपर को हम एज अ वायर यूज़ कर पाते हैं क्यों बिकॉज मेटल्स आर डकटाइल उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो कन्वर्ट uh, हो सकते हैं वायर्स में इसलिए ही आप कॉपर को यूज करते हो एज अ वायर ठीक है मेटल्स जो हैं दे आर गुड कंडक्टर गुड कंडक्टर होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ओके एंड जो मेटल्स होते हैं ना दे आर वेरी हार्ड हार्ड होते हैं एक्सेप्ट लीथियम सोडियम एंड पोटेशियम ठीक है हार्ड होते हैं क्यों हार्ड होते हैं क्योंकि इनके बीच के जो मतलब पार्टिकल्स जो है ना उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है पार्टिकल्स के बीच में सो ऑफ़ कोर्स वो हार्ड होंगे कंपैक्टली अरेंज्ड हैं ठीक है उनके पार्टिकल्स इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है क्यों हाई होता है हमने अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा हार्ड है यानी कि उसके पार्टिकल्स के बीच में फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए पार्टिकल्स के बीच के बॉन्ड को हमें तोड़ना है तो हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी दैट मीन्स हमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई रखना होगा ठीक है इनकी डेंसिटी हाई होती है डेंसिटी इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम तो इनकी डेंसिटी क्या होती है हाई होती है कंपैक्टली अरेंज होते हैं क्योंकि इनके बीच में स्पेसेस नेग्लिजिबल होती है हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है बिटवीन देम ठीक है और ये जनरली सॉलिड्स होते हैं लाइक लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है जैसे कि हमारा मरकरी मरकरी एक लिक्विड है ठीक है जर्नली ये सॉलिड होते हैं सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं एक्सेप्ट मरकरी जो कि लिक्विड स्टेट में हमें देखने को मिलता है ठीक है हाई टेंजाइल स्ट्रेंथ होती है हिंद की और ये अलॉय फॉर्मेशन भी करता है अगर आप दो मेटल्स या एक मेटल और नॉन मेटल को मिलाएंगे तो अलॉय फॉर्मेशन होगा राइट जैसे ब्रॉन्स क्या है एक हमारा अलॉय है राइट जो कि कॉपर और टिन से बना है अब एग्जांपल्स अगर हम देखें मेटल्स के तो सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम राइट गोल्ड सिल्वर ये सब क्या है मेटल्स हैं ठीक है थीके? चलिए अब बात करते हैं हम हाँ एक चीज़ मैं आपको मेटल्स की बताना भूल गई कि मेटल्स जो है ना ये क्या करते हैं जनरली लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स ठीक है लूज दे इलेक्ट्रॉन्स दे इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं ये लूज करते हैं क्यों लूज? ये लूज करते हैं तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करते करते हैं तो ये पॉजिटिव आयन होते हैं पॉजिटिव आयन बन जाते हैं पॉजिटिव आयन यानी कटायन बन जाते हैं ठीक है चलिए अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की तो नॉन मेटल्स जो है ना ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि अपोजिट होते हैं मेटल्स के ठीक है ये क्या करते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स आई मीन गेन करते हैं हमने देखा था मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं लेकिन नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं और इसलिए ये नेगेटिव आयन बन जाते हैं जिसको हम कहते हैं एन आयन ठीक है नॉन मेटल्स लस्ट्रस नहीं होते हैं दे आर नॉन लस्टरसट लस्टर का मतलब क्या होता है दैट इज शाइनीनेस हमने देखा था कि जो हमारे मेटल्स होते हैं लस्ट्रस होते हैं शाइनी होते हैं लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर नॉट लस्टरस एक्सेप्ट डायमंड राइट आयोडीन ग्रेफाइट ठीक है एक्सेप्ट ये एक्सेप्शन है ठीक है नॉन मेटल्स में हमें डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते हैं वैरायटी ऑफ कलर्स हमको देखने को मिलते हैं और नॉन मेटल्स जनरली हमारे पुअर कंडक्टर होते हैं ऑफ़ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरली दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट ठीक है ना तो ये मेलेबल होते हैं ना ही ये डक्टाइल होते हैं यानी ना तो आप इनको थिन शीट्स में हैमर कर सकते हो बीट कर सकते हो और ना ही आप इनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो यानी कि डक्टाइल भी नहीं होते हैं ना ही ये सोनरस होते हैं कोई रिंगिंग साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं डेंसिटी इनकी जनरली लो होती है लो डेंसिटी होती है ठीक है ये हमें सॉलिड फॉर्म में भी मिलते हैं लिक्विड फॉर्म में भी मिलते हैं और गैशियस फॉर्म में भी मिलते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो जनरली कम होता है एज़ कंपेयर टू मेटल्स लेकिन एक्सेप्शन है डायमंड और ग्रेफाइट डायमंड बहुत हार्ड होता है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है ठीक है ये जनरली हार्ड नहीं होते हैं उनकी टेंजाइल स्ट्रेंथ जो है ना वो भी कम होती है ठीक है इनमें भी हमें कई बार अलॉय फॉर्मेशन देखने को मिलता है जब भी आप इनको मेटल्स के साथ मिक्स करते हैं ठीक है ठीके? अब एग्जाम्पल्स देखे जाए नॉन मेट नॉन मेटल्स के तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन क्लोरीन एट्सेट्रा दीज आर दी एग्ज़ाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स ठीक है एक चीज़ और कि ब्रोमीन जो है ना एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड एट रूम टेम्परेचर में मिलता है ठीक है इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर ठीक है चलिए अब बात करते हैं मेटेलॉइड्स की तो मेटेलॉइड्स जो है ना वो सब्सटेंसेस होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है ठीक है आप कह सकते हैं ये मेटल्स ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में लाइक करते हैं ठीक है ये मेटल्स की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं एज वेल एज ये नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं ठीक है अब देखिए मेटल्स जो है ना ये ऑफन एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं ठीक है और ये सेमी कंडक्टर होते हैं सेमी कंडक्टर होते हैं यानी कि ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच के होते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होते हैं ये सेमी कंडक्टर होते हैं दे आर सेमी कंडक्टर ठीक है चलिए इसके एग्ज़ाम्पल क्या है एग्ज़ाम्पल है इसका बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम एंटीमोनी आर्सेनिक ठीक है ये सब एग्जाम्पल्स हैं ऑफ किसके मेटेल्स uh, के ठीक है तो ये था हमारा एलिमेंट्स के बारे में अगले वीडियो में हम लेके आएंगे कंपाउंड्स के बारे में ठीक है अगले वीडियो में हम पूरा जो कंपाउंड्स का हमारा टॉपिक है उसे कवर करेंगे आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल थैंक यू